राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सातवीं और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पार्टी ने कुल 199 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एक सीट कांग्रेस ने RLD के लिए छोड़ी है। रविवार को जारी की गई लिस्ट में विधानसभा के पूर्व स्पीकर शांति धारीवाल का भी नाम है। इसके अलावा ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि इस लिस्ट में अशोक गहलोत के समर्थित करीब 10 विधायकों का टिकट काट दिया है। इनके नाम है परसाराम मोढ़िया, जितेंद्र सिंह, लालचंद कटारिया, गिरिराज मालिंगा, राम नारायण मीणा, राम गोपाल बैरवा, हबीब उर रहमान, रंजू रमावत, PR मीणा, सवाई चौधरी, पूर्व CM वसुंधरा राजे के सामने झालरापाटन से रामलाल चौहान को टिकट दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने सचिन पायलट की बगावत के समय गहलोत कैंप का साथ दिया था और गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था, लेकिन CM गहलोत टिकट नहीं दिला पाए हैं। इनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। वसुंधरा राजे के सामने रामलाल चौहान को टिकट दिया है। कांग्रेस ने स्थानीय चेहरे पर दाव खेला है। कांग्रेस ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को जयपुर की झोटवाड़ा से टिकट दिया है। उनका मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से होगा। शांति धारीवाल को कोटा उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सचिन पायलट के समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी को चाकसू से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी करने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी को गुड़ा मलानी से मैदान में उतारा है। कांग्रेस की सातवीं लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि रविवार को तीन नेताओं को पार्टी में आने के 5 घंटे में ही टिकट दे दिया। कर्नल सोनाराम, प्रशांत परमार और मनीषा गुर्जर ने शाम को 5 बजे कांग्रेस ज्वाइन की और रात 10 बजे टिकट मिल गया। बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 19, चौथी लिस्ट में 56 और पांचवी लिस्ट में 5 और छठी लिस्ट में 23 कैंडिडेट के नामों की घोषणा की थी। बता दें कि साल 2018 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने BSP के विधायकों के समर्थन में सरकार बनाई थी। राज्य में उस वक्त प्रदेश कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथों में थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और विधायकों की पसंद के चलते अशोक गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन गहलोत सरकार के ये 5 साल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहे हैं। गहलोत को इन 5 सालों में सबसे ज्यादा चुनौती अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट से मिलती रही। 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच तनातनी सार्वजनिक हो गई, लेकिन हर बार आलाकमान ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। वो कल हमारा आयोजन है, उसके लिए नेताजी यहाँ के परिवारों से जुड़े रहे और नेताजी वो नेता रहे जिन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को बचाने का काम किया। एक जमीनी नेता, एक धरती के नेता जो यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते थे, लोगों के सुख दुख में रहे। उसका परिणाम ये रहा कि नेताजी को यहाँ की जनता ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम लोग उन्हें याद करते हैं और ऐसे नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। हम लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया, न केवल हम समाजवादियों को बल्कि राजनीति में एक नई दिशा दी उन्होंने। इसलिए उनको हमेशा हम लोग याद करेंगे। आज क्योंकि माननीय काशीराम जी को भी हम याद करते हैं कि जिनका योगदान दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को जगाने में लगा रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके सिद्धांत और खासकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम और राजनीति में उनको स्थान देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय काशीराम जी ने किया। मैं आज उनको याद करता हूं और ये जगह तो वो है जिसने कभी माननीय काशीराम जी को बगल की लोकसभा से लोकसभा में भेजने का काम किया था। वो भी राजनीति का एक ऐतिहासिक समय था जब नेताजी और माननीय काशीराम दोनों मिलकर के एक राजनीति को नई दिशा दे रहे थे। और आज जब बिहार में सर्वे हो गया है, आंकड़े आ गए हैं, तो जो लड़ाई नेताजी ने, माननीय काशीराम जी ने लड़ी और जिन पर ये दोनों नेता सिद्धांतों पे चल रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सर्वे के आंकड़े आए हैं देश भी स्वीकार करेगा
और देश में भी आने वाले समय में इसी तरह जाति जनगणना होकर के उन तमाम जातियां जो पीछे रह गई सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनको बराबरी में लाने का काम चलता रहे। इसमें क्या खराब बात है भाई? पार्टी जब बैठेगी तय करेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगा, सवाल नाम का नहीं है, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, इसराइल और हमास में जो युद्ध, अब हम और आप लोग बैठे हैं यहाँ, तारीख आ गई होंगी जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है, समाजवादी पार्टी वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी। कांग्रेस बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ, उसका भी निर्णय हो जाएगा। अध्यक्ष जी, चाचा ने कहा था कि जो सांसद की हमेशा स्पष्ट अपनी बात नहीं रखती है, बस्ती नजर आती, क्या बजे? कोई बस्ती नहीं है, बीजेपी भी स्वीकार करेगी आप देखिएगा, और स्वीकार नहीं करे तो देखना आप, उसमें जो पीडीए के लोग हैं जाति जनगणना को लेकर के बहुत खुश हैं। बीजेपी के अंदर भी जो पीडीए के लोग हैं वो भी कास्ट सेंसस चाहते हैं, तो सोचो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब परिवार में अगर किसी सदस्य की जान चली गई है तो उसके परिवार की मदद हो। जान की कीमत पैसा नहीं हो सकता, ये सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। इसीलिए मैंने कहा कि जहां 4 लाख पर्याप्त नहीं है, सरकार को और मदद करना चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी इन परिवारों की हम लोग 1-1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। मुझे याद है कई बार ऐसी घटनाएं अगर सरकारों में हुई होंगी, अगर मदद करने की बात आई होगी तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कभी खजाने को गरीब के लिए नहीं रोका होगा, ज्यादा से ज्यादा मदद की होगी। आज के समर्थन कर रहे हैं जिसमें भारत भी है, उसको किस तरीके? देखिए, बड़ा सवाल है, मत पूछो, ये दुनिया को पता नहीं क्या हो गया है, कहां रशिया यूक्रेन में घुस गया, यहां एक ही रात में सोचो कहां क्या हो गया, दोनों झगड़े हो गए, और भी कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं। दुनिया में अगर इस तरह की चीजें होंगी, एक देश दूसरे देश के मुकाबले खड़ा हो जाएगा तो चिंता की विषय तो देश की रहेगी, और देश के, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और देश के सवाल पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये सरकार जो निर्णय लेना चाहती है, सरकार निर्णय ले अपना, जाती है, लेकिन वॉर ना हो कहीं भी। देखिए, मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूँ या YouTube पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी लाभ लेना चाहती है राजनीतिक, और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, कभी कोई पूछे जाकर के जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला, न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। भैया, बाबा जी का बुलडोजर हर एक गरीब की जमीन, करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन कब्जा ली, उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए, हत्या भी हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो घटना एक सीधे साधे भोले भाले किसान के साथ धोखा होगा। एक सीधे साधे इंसान से आपने जमीन खरीदी, एक चेक दे दिया, और उसके बाद उस भोले भाले इंसान से ये कहा आपने किसान से कि चेक में कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई, आपने उसे चेक करो 6 करोड़ का वापस ले लिया और उस चेक को फाड़ दिया आपने। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, क्या हो सकता है बताओ? और फिर वो बचा कौन रहा है उसको? मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद बचा रहे हैं। जिसको मुख्यमंत्री बचाएगा उस पर क्या अन्याय होगा, क्या न्याय मिलेगा उसके परिवार को, वो सोचो। ये जो घटना कानपुर वाली है, इसमें कोई और नहीं बचा रहा है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में ऐसी घटना हुई है। और सोचो, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, आपने चेक दिया, आपने चेक वापस ले लिया, रजिस्ट्री में उस चेक का नंबर है, उसके बावजूद भी आपको क्या चाहिए सरकार को, सोचिए। 5 राज्यों में चुनाव, अध्यक्ष जी, देवरिया में जो दुख है इस बात का कि धार्मिक आयोजन
और धार्मिक आयोजन हो, सरकार की जानकारी में हो, उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना और इंतजाम न करना, ये सरकार की लापरवाही है। और उसके साथ साथ जो गांव के लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि यहां पर पहले से पर्यटन विभाग का कार्य चल रहा था और पर्यटन विभाग जानबूझ करके गहरे गहरे गड्ढे खुदवा रहा था और इतने गहरे गड्ढे खुदे हैं कि जो लोग इस धार्मिक आयोजन में आए उन्हें जानकारी नहीं थी कि आने आगे कितना गहरा गड्ढा है, जिसके कारण जब वहां पर लोग गए तो कई लोग डूब गए और जिसमें 3 लोग नहीं निकल पाए, 3 लोगों की जान गई, 1 बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। सवाल यह है कि अगर सरकार का वहां कार्यक्रम चल रहा था या कोई कार्य योजना थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया, और सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी जानकारी देने के लिए लोगों को कि यहां पर पहले से कार्य चल रहा है, इस क्षेत्र में आप ना आगे बढ़ें या इस क्षेत्र में ही आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर लीजिए। ये सरकार तो वो है जो दावा करती है कि धार्मिक आयोजनों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम होगा। इससे पहले भी मुझे याद है, मैं मेरठ के कांवड़ियों के परिवारों से मिला था, जिन कांवड़ियों के परिवारों के सदस्यों की जान गई, वहां पर भी पूरी लापरवाही थी क्योंकि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद, प्रमुख सचिव गृह, DGP या सुरक्षा को लेकर के सब इंतजाम किए गए थे और यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद फूल बरसा रहे थे, उसके बाद जान चली गई। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है थी, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, और अगर धार्मिक आयोजन में किसी की जान गई है तो सरकार को आगे आकर के मदद करें, इनकी परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करें। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर वाजिए, सामने आइए, सामने आइए, उत्तर वाजिए। कौन कौन दो हैं, कौन मारने दौड़ रहा है? ब्रजेश कठेरी हमारे यहाँ सर रहते हैं, मैनपुरी रहता है, यहाँ आ जाएगा उठा के बंद कर देंगे अगर मार के दौड़ेगा तो। जी हाँ, मेरे यहाँ रह रहे हैं। नहीं आ जाए।